यार आप लोगों को पता है एमोलेड डिस्प्ले स्मार्ट वॉच की बहुत ज्यादा डिमांड आती है और खासकर अंडर 1500 एंड अंडर 2000 वाली स्मार्ट वॉचेस ज्यादा डिमांड पर है। इसीलिए यार दो काफी तगड़ी स्मार्ट वॉचेस है एमोलेड वाली जो राउंड डायल में आती है और काफी लोगों को राउंड डायल वाली स्मार्ट वॉचेस काफी ज्यादा पसंद होती है, तो मैं लेकर आ गया हूँ इन दोनों ही तगड़ी स्मार्ट वॉचेस का कंपेरिजन। एक तरफ आती है नॉइस फिट वर्टेक्स प्लस और दूसरी तरफ आती है फायरबोल्ट फिनिक्स एमोलेड। ये दोनों ही स्मार्ट वॉचेस आपको सेम प्राइस पे देखने को मिल जाएगी ऑलमोस्ट, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से काफी लोग कंफ्यूज है। तो आज चलते हैं इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस का करते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन और देखते हैं दोनों में से कौन सी बेस्ट है, आप लोगों को कौन सी लेनी चाहिए। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा यार चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो सबसे पहले इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करना चाहूंगा। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस आप लोगों को सर्कुलर डायल में देखने को मिलेगी, दोनों में ही मेटेलिक फ्रेम मिल जाता है। इसके अलावा दोनों में एक एक चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेगा बैक साइड में, बाकी एक वर्किंग क्राउन मिल जाता है फिनिक्स प्रो में और दो बटन मिल जाते हैं वर्टेक्स प्लस में। यहाँ पे एक से आप स्पोर्ट्स मोड में जा सकते हो, दूसरे से मेन मेन्यू में और वर्किंग क्राउन से आप काफी सारी चीजें कर लोगे। बाकी बैक साइड में ग्लास फिनिश का यूज किया गया है वर्टेक्स प्लस में और प्लास्टिक का यूज देखने को मिलता है फिनिक्स एमोलेड में। दोनों की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, बिल्कुल ही फिनिशिंग वगैरह भी टॉप नोज देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रैप की बात करूँ तो 22mm के स्ट्रैप्स और स्ट्रैप की क्वालिटी यहाँ पे दोनों की काफी बढ़िया लगी मुझे। थोड़ी सी बेटर मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉइस की लगी है क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड और थोड़ी सी सॉफ्ट दोनों है, मतलब के इचिंग रेसिस या स्वेट जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट वहीं फिनिक्स एमोलेड की बात करूँ तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है और काफी लोगों को सॉफ्ट स्ट्रैप भी पसंद है, तो उनके लिए ये जबरदस्त रहने वाला है। और मेरे हिसाब से दोनों से वैसे कोई शिकायत है नहीं मुझे, ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन में दोनों ही अपना पैसा वसूल कर देती है। बात करते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के यूआई एंड परफॉर्मेंस के बारे में, तो देखो दोनों की क्वालिटी यहाँ पे आप देख सकते हो अभी काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आती है। यूआई बिल्कुल भी हैंग नहीं करती है यहाँ पे फिनिक्स एमोलेड की और हल्की फुल्की मतलब निग्लेजेबल आप लोग कह सकते हो लैग यूआई देखने को मिल जाती है वर्टेक्स प्लस में। तो वैसे अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जस्टिफाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी टच रिस्पांस की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्ट वॉचेस काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है, ऐसा नहीं होता कि टच कहीं और करो और टच कहीं और हो जाए, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी है मुझे इन दोनों स्मार्ट वॉचेस की। तो यूआई को लेकर आप लोग भी कोई इशू ऐसा फेस नहीं करने वाले हो। बाकी अभी बात करते हैं कि सिमिलर फीचर्स के बारे में, तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, बट 1.46 इंच की डिस्प्ले मिलती है यहाँ पे वर्टेक्स प्लस में और 1.43 की मिलती है फिनिक्स एमोलेड में। बट इतना ज़्यादा मेजर फर्क नहीं लगेगा आप लोगों को, अभी भी आप देख सकते हो दोनों की डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है। मेरे ख्याल से बस लिखने के लिए नॉइज वालों ने 1.46 लिख दिया है। इसके अलावा दोनों की पीक ब्राइटनेस 600 निट्स की है, यानी कि आप लोग इंडोर आउटडोर कहीं पर भी विजिबिलिटी को लेकर कोई इशू फेस नहीं करने वाले हो। साथ ही साथ कलर एक्यूरेसी और कंट्रास्ट सारी चीज़ें आप लोगों को दोनों ही स्मार्ट वॉचेज में काफ़ी बैलेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को दो एओडी के वॉच फेसेस मिल जाएंगे, एक मिलता है डिजिटल दूसरा मिल जाता है यहाँ पे एनालॉग। दोनों की क्वालिटी में काफी फर्क है यार, इसकी ज्यादा बेटर विजिबिलिटी है वो है फायरबोल्ट फिनिक्स एमोलेड, यहाँ पे काफी हल्की विजिबिलिटी लगने वाली है आप लोगों को वर्टेक्स प्लस में। इसके अलावा इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में आप लोग कस्टम वॉच फेस लगा सकते हो और कस्टम वॉच फेस की क्वालिटी दोनों की सुपर्ब है यार, यहाँ पे कोई भी इशू आप फेस नहीं करोगे, कलर एक्यूरेसी सारी चीजें आपको बेहतरीन देखने को मिलेगी। इसके अलावा इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को ब्लूटूथ कॉलिंग देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ हेल्थ ट्रैकर्स की बात करूँ तो हार्ट रेट, SPO2, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड और स्ट्रेस मॉनिटर जैसे तगड़े फीचर्स मिल जाने हैं। इसके अलावा सारे बेसिक फीचर्स मिलते हैं जो नॉइज और फायरबोल्ट की वॉचेस में अक्सर आपने देखा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के थ्रू आप लोग अलार्म लगा सकते हो जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा वाटर रेजिस्टेंट में दोनों ही स्मार्ट वॉचेज IP67 की रेटिंग के साथ आती है जो कि एक अच्छी चीज़ है, मतलब हल्की फुल्की बारिश में आप दोनों को यूज़ कर लोगे बट हाँ स्विमिंग नहीं कर पाओगे। बाकी इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के बैटरी बैकअप की बात की जाए तो यार 4 से 5 दिन का दोनों स्मार्ट वॉचेस आप लोगों को बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगी, 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा अगर आप लोग एओडी और कॉल यूज़ करते हो तो। बाकी अब बात करते हैं डिफरेंसेस की, वर्टेक्स में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है जो फिनिक्स एमोलेड के अंदर ना हो, बस एक ग्लास फिनिश देखने को मिलता है आपको बैक साइड में, इसके अलावा सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है जो फिनिक्स एमोलेड में दी गई है। बाकी अब बात करते हैं फिनिक्स एमोलेड कहाँ कहाँ वर्टेक्स प्लस से आगे निकलती है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, इसके अलावा कुछ टाइम पास के लिए गेम्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, साथ ही साथ फीमेल एयर ट्रैकर सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को एक वर्किंग क्राउन भी प्रोवाइड किया गया है और यहीं इसके फीचर्स खत्म नहीं होते यार, आप लोगों को 8 मेन्यू स्टाइल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जो कि अच्छी चीज लगी मुझे। तो देखा आप लोगों ने कितनी सारी चीजों में यहाँ पे फिनिक्स एमोलेड विनर निकल कर आती है।
बात करते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉचेस की एक्यूरेसी की, तो इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को पहनकर मैंने इनका हार्ट रेट टेस्ट किया और यहाँ पे एट दी एंड रिजल्ट देख सकते हो, ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर रहता है कभी कभी और कभी थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है। वहीं बात करूँ SPO2 की तो यहाँ पे भी सही परफॉर्म कर रही है दोनों स्मार्ट वॉचेज, बट मैं यही कहूँगा यार दोनों में से किसी भी स्मार्ट वॉच पे इतना ज़्यादा रिलाई मत रहा करो, आइडिया लेना चाहते हो तो ले सकते हो बट इतनी अच्छी स्मार्ट वॉचेज नहीं होती है ये बजट वाली, खासकर हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चेकआउट करना हो तो मेडिकल इक्विपमेंट का ही यूज़ किया करो। अब आती है बारी कॉलिंग क्वालिटी की, तो अभी मैं आप लोगों के सामने इन दोनों की कॉलिंग क्वालिटी को रख देता हूँ। हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, सही आ रही है या फिर दूर से आ रही है या हल्की आ रही है, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही आवाज में? अच्छा, नॉइस की स्मार्ट वॉच से कॉल कर रहा हूँ, नॉइस की स्मार्ट वॉच से कॉल कर रहा हूँ, जैसे फोन से आती है वैसी आ रही है या नहीं? मुझे भी तेरी ठीक आ रही है, ऐसा लग रहा है थोड़ा नेटवर्क इशू है, बाकी ठीक है, आवाज इतनी ज्यादा लाउड नहीं आ पा रही। आवाज तो सही आ रही है। अच्छा चल ठीक है फिर। हेलो, हेलो, हाँ भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, बस मैं भी बढ़िया। आवाज सही आ रही है क्या? मुद्दे पे आते हैं सीधा। हाँ नहीं बहुत सही, फायर बोल्ट की उसी से कर रहा था। बाहर है क्या तू? हाँ मैं बाहर हूँ जरा, बाइक से था। अच्छा फिर भी सही आ रही है, मुझे भी सही आ रही है बस। हाँ चल ठीक है, यही ठीक है, मैं करूँगा फिर घर पहुँच के। ओके चल, होप करता हूँ यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी का आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना आपको इन दोनों में से किसकी कॉलिंग क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगी है। अब आते हैं कंक्लूजन पे और बात करते हैं कि आप लोगों को नो स्पीड वर्टेक्स प्लस और फिनिक्स एमोलेड में से कौन सी स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखो चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने ऑलरेडी रख दी हैं क्लियरली, ताकि आप लोग खुद भी एक डिसीजन ले पाओ वैसे तो, बट अगर आप मेरा सजेशन चाहते हो तो मैं ये कहूँगा यार देखो कभी कभी ये स्मार्ट वॉच ना जो फिनिक्स एमोलेड है 1800 रुपये में भी मिल जाती है और इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कोई स्मार्ट वॉच नहीं है इस प्राइस रेंज में, तो डेफिनेटली मैं फिनिक्स एमोलेड ही सजेस्ट करूँगा आप लोगों के लिए। और कुछ फीचर्स भी इसमें ऐसे हैं जो आप लोगों को वर्टेक्स प्लस में नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे भी एक बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा वर्टेक्स प्लस भी अच्छी स्मार्ट वॉच है, नो डाउट पहनने के बाद काफ़ी क्लासिक लुक आता है, अगर आप लोग नॉइस के फैन हो तो इसको भी ले सकते हो, बट इन दोनों में से अभी के लिए जो विनर है वो फिनिक्स एमोलेड निकल कर आती है। बाकी यार इन दोनों में से जिस भी स्मार्ट वॉच में आप लोग इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिटेल रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो बस यही थी आज की वीडियो, होप करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो करके जाना यार। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।